मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपात्तमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीमन्मदनगोपालं वृंदारण्यपुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसित नलिनाशियं सुरं मंदहासियं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। बड़ी सुंदर प्रेम की व्याख्या स्वामी जी महाराज कर रहे थे, वे आज जा रहे हैं। उनके उपदेश बड़े दिव्य, बड़े हृदय ग्राही और बड़े मपे तुले हुए शब्दों में सार के बाद जिन लोगों ने उनसे लाभ उठाया वे सौभाग्यशाली। प्रेम की बात चल रही थी, ये बार बार एक बात प्रेम के संबंध में दोहराई जानी चाहिए कि प्रेम में स्वसुख वांछा की कल्पना नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहली प्रेम की शर्त है। एक बड़ी सुंदर निकुंज लीला की एक घटना है। भगवान श्याम सुंदर निकुंज में कोमल किसले और कुसुम की सैया पर शयन कर रहे हैं। एक प्रेमवती गोपी अपने श्रृंगार से, अपनी शोभा से भगवान को सुखी बनाने के लिए वहां गई। उस समय उन्हें नींद आ रही थी, श्री कृष्ण को नींद आ रही थी। आंखें बंद हुई जा रही थी, जरा जरा सी कभी खुलती फिर बंद हो जाती। तो सखी के मन में आया कि एक बार आंखें इनकी खुल जाएं और वे देख लें तो उनको सुख हो। श्रृंगार अपने सुख के लिए नहीं। तो उसने क्या किया, कमल की पराग को लेकर के और यूं उड़ाने लगी। सोचा कोई पराग का कण नेत्र में जा पहुंचे, कष्ट तो हो नहीं पर नेत्र खुल जाए और वो श्याम सुंदर देख ले। इतने में श्री राधा रानी आ गई। उन्होंने कहा क्या कर रही हो, तो बताया किस प्रकार से इस कमल पराग का कण श्याम सुंदर के नेत्र में गिर जाए, वो एक बार शोभा को देख के सुखी हो जाए। तो कहा उनको सुखी देख कर तुमको सुख होगा ना, बोले होगा।
तो उनके नींद के व्याघ्रात से तुमको सुख होगा क्या? अब गोपी चुप हो गई। कहा तुम उनको सुख देने जाकर उनके नींद में विघ्न डालकर सुखी होना चाहती हो ना, इसमें भी तुम्हारा प्रेम नहीं काम है। हैं? गोपी के मन में जरा भी स्वसुख की कामना अपनी जान में नहीं थी, पर वो भगवान के नींद में विघ्न करना चाहती थी अपने श्रृंगार को दिखाकर सुखी करने के लिए। ये जो अपना श्रृंगार, इसमें स्वसुख की स्थिति कामना थी, तो राधा जी ने उसे टोंक दिया, बरस इतना ऊंचा उनका भाव। श्री उसमें कहे राजपंचाध्यायी में आता है, वो कहती हैं कि महाराज जब आपके चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर आते हैं उस समय हमको बड़ा सुख होता है, पर हमें दुख भी होता है कि कहीं आपको आघात न लग जाए। तो आपके वो चरण जब ये कांटों के और कुशों के जंगल में फिर रहे हैं, हमें कैसे सहन हो सकता है? तो जहाँ अपना सुख है, अपने सुख में भी अपने सुख की अपेक्षा उनके दुख की चिंता अधिक है, और अपने सुख में भी कहीं अपना सुख उनके सुख का बाधक हो जाए, है अपना सुख उनको सुखी बनाकर ही। गोपी जो अपना श्रृंगार भगवान को दिखाकर उन्हें सुखी बनाकर सुखी देखकर सुखी होना चाहती है, इसमें प्रधान उनका सुख ही है, परंतु इस समय वो सो रहे हैं। तो अपना सुख तो तब मिलेगा जब वो जाग जाएंगे, उनकी नींद टूट जाएगी, उसके बाद वो देखेंगे, तब उनको सुख होगा, तब हमको सुख होगा। पर इसके पहले उनके सुख में अपने सुख के लिए विघ्न डाल रही है ना वो, तो इस प्रकार का विघ्न भी प्रेम में बाधक होता है। वो इस प्रकार की वांछा भी प्रेम राज्य में नहीं होती। इसलिए जहाँ त्याग की पराकाष्ठा है, प्रेम शब्द जो है ये बहुत सीधा है और मीठा भी लगता है, पर प्रेम में इतनी तीक्ष्णता और कटुता है पहले, उस तीक्ष्णता को कटुता को यदि कोई मीठा बना सके तब तो प्रेम परम मधुर है, क्योंकि उसमें केवल त्याग ही त्याग है, अपने को सर्वथा खो देना है। महाराज जी ने कहा अभी, वो दूसरे प्रकार के शब्द थे कि प्रेम का अधिकारी कौन जो सर्वथा अनधिकारी। इसको इन शब्दों में लें कि जिसके अंदर प्रेम के सिवा किसी प्रकार की चेष्टा करने की सामर्थ्य नहीं रही, अनधिकारी हो गया, वो प्रेम का अधिकारी। लेकिन प्रेम का अधिकारी त्यागी नहीं, सो बात नहीं, त्याग के बिना, त्याग की भूमिका के बिना प्रेम का फल कभी लगता ही नहीं। तो त्याग की जहां पराकाष्ठा है, जहां जरा जरा सी बात में ये स्वाभाविक देखा जाता है कि इसमें कहीं निज सुख का तो कोई रेश नहीं है, इसमें प्रियतम के सुख में किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है, बस इसी एक उद्देश्य को लेकर, इसी एक लक्ष्य को लेकर प्रेमी का जीवन बनता है। उद्देश्य वो पल पल में देखता नहीं, प्रेमी के जीवन का स्वरूप क्या है, प्रेमास्पद की रुचि,
प्रेमास्पद का सुख, ये उसका जीवन है। प्रेमास्पद के सुख के लिए वो कुछ परिश्रम करके करता है, साधन करता है, सो नहीं। ये साधन साध्य जो है ये तो और चीज है, वहाँ साधन नहीं है, वहाँ तो समर्पित है ना, तो वहाँ साधना की बात नहीं, वहाँ तो समर्पण है। और समर्पण होके अपने आप को उनके सुख का रूप बना देना है। गोपी माने भगवान का सुख, बस गोपी का अर्थ है भगवान का सुख। ये जो भगवान का सुख है, इसी को हम चाहे गोपी प्रेम कह दें, इसी को चाहे दूसरी भाषा में कहें तो गोपियों का काम कह दें। प्रेमैव गोपरामानाम काम इत्यगमत प्रथाम, गोप रामाओं के प्रेम को काम कहते हैं। काम नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि जो धर्म से अविरुद्ध काम है वो मैं हूँ। वेद में आता है उपनिषद में स अकामयत, भगवान ने कामना की। एको हम बहुश्याम, मैं एक बहुत बन जाऊं, क्यों एकाकी नरमते, अकेले में खेल नहीं होता। तो वहाँ काम शब्द भी है, रमण शब्द भी है, पर काम और रमण शब्द का अर्थ गंदा नहीं। तो इन शब्दों को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है। बोले अमुक मोक्षकामी है, तो मोक्षकामी में भी काम शब्द आता है, तो इस शब्द की कोई बात नहीं। परंतु वो काम क्या है, गोपियों का काम क्या है? कृष्ण सुख, भगवान का सुख, ये गोपियों का नित्य नित्य काम है। और वो चाहती है कि हमारे इस काम का कभी किसी काल में नाश न हो। वो इस काम का नाश नहीं चाहती। गोपी यदि अपने काम का नाश चाहे तो गोपी गोपी रहती नहीं, वो कुछ और बन जाती है, नीचे स्तर पर आ जाती है। उसका तो कृष्ण सुख काम ही उसका जीवन है, कृष्ण सुख काम ही उसका स्वभाव है। उसका मन, उसका तन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां, उसके सारे कर्म, ये सब के सब न किसी कर्तव्य निष्ठा को जानते हैं, न धर्म निष्ठा को जानते हैं, न किसी और किसी प्रकार की किसी वासना को रखते हैं। वो केवल जानते हैं श्री कृष्ण सुख काम, श्री कृष्ण सुखी कैसे हों। अब ये विचित्र एक चीज है, श्री कृष्ण सुखी कैसे हों। अब इस प्रश्न का उत्तर प्रेम राज्य के सिवा कहीं है नहीं। जो स्वयं परमानंद कंद हैं, जो आनंद के अगाध समुद्र हैं, सारा आनंद जिन्हीं में से निकलता है, सारे आनंद के जो मूल स्रोत हैं, जिनके आनंद को लेकर ही जगत में सब कहीं आनंद आता है, छाता है, वो भगवान, उन भगवान में कोई सुख का अभाव, और वो भगवान सुख चाहें, उनको सुख दिया जाए, ये दार्शनिक की कल्पना नहीं हो सकती। परंतु प्रेम राज्य में ये जो प्रेम दर्शन होता है, ये कुछ विचित्र ऐसी चीज है। और ये अगर न हो तो रूखे सूखे भगवान जो हैं, वो भाव जगत की वस्तु रहे ही नहीं। उनका आनंद यदि इस प्रकार से आनंद के साथ आनंद न करना चाहे, उनकी लाजनी शक्ति, स्वयं आनंद रूपिणी शक्ति उन्हें आनंद देने में प्रवृत्त हो, और वो उसका आनंद न ले, तो स्वरूप भूत आनंद जो है वो रूखा सूखा रह जाता, स्वरूप भले रह जाए उसका,
रस नहीं रहता। इसलिए भगवान ने स्वयं अपने आप को ही रमन करने के लिए ये द्विधा किया, एक से दो बने, अनेक बने, और अनेक बन के इस रस का प्रवाह भगवान ने बहाया। ये सब उस आनंद में से निकला, उस आनंद में है, उसी आनंद में इसका पर्यवसान है। तो ये जो आनंद है, ये आनंद कैसे इसका प्राकट्य होता है? ये आनंद बनता नहीं है। भगवान का जो आनंद है, ये पहले नहीं था, अब बना, सो बात नहीं। और आनंद यदि है तो आनंद की भित्ति ही प्रेम है। तो ये प्रेम कभी बना या कभी बनेगा, इसका कोई निर्माण करता है सो नहीं। ये प्रेम भगवत स्वरूप है, प्रेम भगवान है, भगवान प्रेम है। तो जहाँ जहाँ ये विसर्ग होता है, विसर्ग उत्सर्ग त्याग, जहाँ जहाँ पर त्याग होता है वहाँ वहाँ पर प्रेम का प्राकट्य होता है, और जहाँ जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ वहाँ पर आनंद आता है। कहीं भी द्वेष में, विरोध में, बैर में कहीं आनंद पैदा हुआ हो तो बताइए, जलन पैदा होगी, आग पैदा हो जाएगी, एक जलाने वाला चारों तरफ से समूह पैदा हो जाएगा, परंतु त्याग ही ऐसी वस्तु है जहाँ प्रेम होगा, और जहाँ प्रेम होगा लड़ते हुए आदमी जरा प्रेम भाव पैदा हो जाए, सुखी हो जाएंगे, बोले अब तो हमारा बड़ा, अब तो प्रेम हो गया, अब बड़ा आनंद है, प्रेम हो गया, बड़ा आनंद है। तो प्रेम जो है ये आनंद का जनक है, आनंद निकलता है प्रेम से। अतएव भगवान का जहाँ आनंद है, जहाँ भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद प्रेम के बिना विकसित नहीं होता, उसका प्रकाश नहीं होता। इसलिए उस आनंद का विकास हो, प्रकाश हो, विस्तार हो, प्रेम की लीला आवश्यक होती है। इसलिए भगवान की प्रेम की लीला अनाद काल से अनंत काल तक चलती रहती है, चलती रहेगी। सारे जीव जीवन में ही प्रेम की लीला है। माता के हृदय का वात्सल्य, मित्र के हृदय का सख्य, पत्नी के हृदय का माधुर्य, पति के हृदय का ये प्रेम, पुत्र के हृदय की भक्ति, ये सब इसी भगवान के प्रेम के विभिन्न रूप हैं, जो विभिन्न धाराओं में जगत में नित्य नित्य प्रवाहित होते हैं। ये अगर न रहे तो जगत सूख जाए महाराज। कहीं लड़के को प्रेम माँ का प्रेम न मिले, कहीं पति पत्नी को आपस में माधुर्य प्रेम न मिले, कहीं मित्र को मित्र का प्रेम न मिले, कहीं माता पिता को पुत्र की भक्ति न मिले, तो क्या होगा जगत में? जगत भयानक हो जाएगा। ये आप देखते हैं घर घर में, पद पद पर ये प्रेम की बाढ़ बह रही है। भला ये अगर न हो तो जगत कितना भयानक हो जाए, जरा कल्पना कीजिए। माँ के सब माताओं के मनों से ये स्नेह निकल जाए, सारी दंपतियों के हृदय में से ये स्नेह निकल जाए, सारे गुरुओं के हृदय में से शिष्यों के प्रति वात्सल्य दूर हो जाए, गुरु भक्ति, मातृ पितृ भक्ति मिट जाए, तो ये भक्ति, प्रेम, स्नेह, रति, प्रीति, ये अगर जगत में न रहे तो जगत में क्या रहेगा? राक्षस रहेंगे, अपने आप को खा जाने वाले। तो इस प्रेम की बड़ी आवश्यकता। यही प्रेम जब पूंजीभूत होकर, जब कहीं बस मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाता है, तब उस प्रेम का नाम होता है गोपी। और वो गोपियों का सारा प्रेम जहाँ पूंजीभूत है, उसका नाम है श्री कृष्ण। पूंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम,
गोपांगनाओं का जो पूंजीभूत प्रेम है वही श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के प्रति जो हृदय की आत्यंतिक त्यागमयी समर्पणमयी आसक्ति है उसी का नाम गोपी प्रेम है। तो ये दार्शनिक भित्ति पर भी इसका बड़ा ऊंचा स्थान है। तो ये प्रेम जहाँ प्रकट होता है वहाँ क्या होता है ये जरा सा समझ लेना है, सारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। अपवित्रता जितनी आती है वो सारी की सारी भोग कामना को लेकर के आती है। भोग कामना का त्याग कतई हो जाता है प्रेम में, क्योंकि वहां स्वसुख है ही नहीं, भोग अपना होता है, वही चीज दूसरे को दे देते हैं ना, तो उसका नाम फिर भोग नहीं होता। अपने लिए जो वो तो भोग है, वो फिर दान हो गया, वो सेवा हो गई। किसी भूखे को आप अपना अपनी बढ़िया से बढ़िया मिठाई बनाई हुई दे दी, वो तो उसकी सेवा है, और जीभ के स्वाद के लिए उसको खाया, ये भोग है। तो स्वसुख वांछा को लेकर के जो कुछ भी हम करते हैं वो तो भोग है, और उसी को भगवान के समर्पित करके हम प्रसन्न होते हैं, ये प्रेम है। बिल्कुल यही बात। तो घर की कोई चीज, हमारे मन की कोई चीज, हमारे जीवन की कोई चीज अपने सुख के लिए जब तक है तब तक उसका नाम भोग है, और जब तक वो भोग है तब तक दुख पैदा होता रहेगा। ये नियम है, ये नियम है। जब तक भोग है तब तक दुख पैदा होता रहेगा। जब तक उन भोगों का इंद्रियों के साथ संबंध है तब तक उनका नाम भोग है, और भोग दुख ही होनी है। इसलिए बुद्धिमान लोग भोगों में नहीं रमते, नहीं रमते। ये संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जरा ध्यान दीजिए, यही संस्पर्श जा भोगा अपनी इंद्रियों के साथ जिनका संबंध होने पर हमें सुख की प्रतीति होती है, ये स्वसुख की इच्छा से ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ ये भोग हैं। संस्पर्श जा भोगा इनका परिणाम क्या है, ये क्या पैदा करते हैं, दुख योनय, ये दुख की योनि है, इनमें से दुख उत्पन्न होता है। तो जो अपने सुख के लिए इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जो पदार्थ है उनका नाम भोग है, और वे भोग दुख योनि है ही और आद्यंतवंत हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग इन भोगों में रमते नहीं, इनमें प्रीत नहीं करते। पर यही भोग, यही सारे भोग जब स्वसुख की वांछा का परित्याग करके पर सुखार्थ अर्पित हो जाते हैं तो ये भगवान की सेवा बन जाती है। यही भोग, भोगों में परिवर्तन नहीं होता, हलवा वही है। हलवा हम अपने जीभ के स्वाद के लिए खाएं, और वही हलवा हम भगवान की सेवा के भाव से जिसको आवश्यकता है उसको खिला दें। हलवा वही, कोई उसको खाता भी है तो जहां स्वसुख की वांछा नहीं है वहां वो सेवा बन गया, प्रेम बन गया। तो स्वसुख की वांछा है वहां वो वही हलवा भोग बन गया। भोग है तो दुख योनि है, ये नियम है। तो इसलिए जो गोपियों का प्रेम है वो स्वसुख की वांछा से सर्वथा रहित है। इसमें एक विशेषता आगे जाके क्या आ जाती है, वो बड़ी मार्मिक चीज है। ये प्रतिदान करते करते अपने सुख की सामग्री दूसरों को देते देते क्या हो, भगवान को सौंपते सौंपते वो अपने आप को भूल जाता है, और फिर भगवान के लिए यहां भी अर्पण करने लगता है।
सुसुख की वांछा से रहित भगवत सुखार्थ अपने ग्रहण करना भी ये फिर त्याग हो जाता है, सेवा हो जाती है, प्रेम हो जाता है। तो इसमें जरा कठिनता पड़ती है परीक्षण में। हम हलवा खा रहे हैं और उस हलवे का स्वाद हमें आ रहा है, उस स्वाद में सुख मिल रहा है, ये तो होता ही है। अब यहीं पर स्वसुख की इच्छा है या प्रेमास्पद के सुख की इच्छा, इसका परीक्षण होता है। और इसमें ये परीक्षण वही कर सकते हैं जो यहाँ पहुंच गए, हम लोग नहीं कर सकते। अपने स्वाद आ रहा है तो अपने स्वाद का सुख तभी ग्रहण होता है जब प्रेमास्पद को सुख होता है। स्वाद अपने को आता है पर अपने वो स्वाद इष्ट नहीं है। यदि प्रेमास्पद का उसमें सुख नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। यदि कहीं मालूम हो गया हलवा खाते खाते और मिठास आते आते, यदि कभी ये मालूम हो गया अरे राम राम वो तो चाहते थे कि तुम अभी नीम खाते और तुमने हलवा खा लिया, तो हलवा नीम से अधिक खारा हो जाएगा उसके, हलवा बुरी चीज बन जाएगी उसके लिए। अरे राम राम ये मैंने क्यों खा लिया, ये तो प्रेमास्पद के सुख के वस्तु नहीं। ये परीक्षा होगी कि अपने लिए खाता है या प्रेमास्पद के लिए खा। यही बात कपड़े पहनने में, यही बात सोने उठने में, यही बात व्यापार व्यवहार में, यही बात उसके जीवन की प्रत्येक क्रिया में, यही बात उसके जीने मरने में। अगर जीवित है और ये मालूम हो गया कि प्रेमास्पद अब तुम मरना चाहते कि मर जाए, तो बस जीवन बुरा लगने लगेगा, वो चाहेगा भी मर जाऊं, जीवन का सुख है। तो इस प्रकार स्वसुख वांछा का, अपने सुख की इच्छा का जो सर्वथा परित्याग करके और केवल प्रेमास्पद के सुख के लिए ही जीवन धारण करना, ये है प्रेम। इसमें फिर क्या होता है, तीन बात होती है, बड़ी सुंदर तीन बात होती है। ये ऐसी परिणति बन जाती है अपने आप। तीन बात कौन सी होती है, ध्यान से इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, ये उस गंभीर बात। तीन बात होती है ये, मन के द्वारा प्रेमास्पद के लिए ही सब चेष्टा हो रही है। यूं करते 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 फिर मन के द्वारा चेष्टा नहीं होगी, प्रेमास्पद का मन इस मन में आबिराजेगा। यही बात है जो भगवान ने कहा गोपियों के लिए कि मेरे मनोगत भावों को गोपियां जानते और नहीं जानता। मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नानी जानन्ति तत्वतः। इसका अर्थ यही है कि भगवान का मन, भगवान ने ये देख लिया कि ये इस प्रकार का इनका मन है कि इनका मन अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं। जाइन चाहिए कबम कछु तुम सन सहज स्नेह बसव निरंतर तासुर सो राउर निज गिये। तो जब भगवान देखते हैं कि इस मन में अब बिल्कुल खाली है, ये कुछ नहीं चाहता, तो उस मन को अपने मन के बसाने के योग्य मान लेते हैं वो। फिर वहां आकर के उनका मन बस जाता है तो क्या होता है, उनका फिर अपना मन नहीं रहता, भगवान का मन हो गया। ता मन मनस्काहा, ये भगवान ने गोपियों के लिए ये खुले शब्दों में कहा भागवत में, ता मन मनस्काहा। उनका फिर जीवन क्या होता है, अपने लिए जीवन रहता ही नहीं, उनको जीने की इच्छा नहीं, मरने का डर नहीं, जीवन कुछ करना ही नहीं है। जिनको अपने लिए कुछ करना हो, इस लोक के लिए, परलोक के लिए, भोग के लिए, मोक्ष के लिए, उनको जीवन की स्प्रिया है। वहां तो जीवन की कोई स्प्रिया ही नहीं, कोई काम अपना बचा ही नहीं,
तो फिर उनका जीना कैसे होता है? तो भगवान अपने प्राणों से अनुप्राणित करके उनको जलाते रहते हैं। उन भगवान का मन उनका मन बनता है, भगवान के प्राण उनके प्राण बनते हैं, और ये खुले शब्दों में इसको भगवान ने स्वीकार किया, ता मन मनस्का मत प्राणा। ये भगवान ने भागवत में कहा कि वे जो श्री गोपांगनाए हैं, वे उनके पास उनका मन नहीं, वो मेरे मन वाली हैं और मेरे प्राणों वाली हैं। तो मन नहीं रहा अपना, प्राण नहीं रहे अपने। श्याम सुंदर प्रेम वो परम प्रेमास्पद का मन उनका मन है और उनके प्राण उनके प्राण। अब स्वाभाविक देखिए, उनके अपने काम रहे क्या? अपने काम तो ये मन और प्राणों के बदलने के पहले ही परित्यक्त हो चुके भगवान के लिए। तो तीसरी बात भगवान ने फिर कही, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। मेरे लिए उनके अपने काम सारे परित्यक्त हो चुके, उनके अपने काम मेरे लिए सारे के सारे छूट गए। अब तो मेरा मन उनका मन है, मेरा प्राण उनका प्राण। तो फिर वो घर में जो करती सो क्या करती हैं? बोले मेरा काम करती हैं। किस मन से करती हैं? मेरे मन से करती हैं। किन प्राणों को लेकर करती? मेरे प्राणों को लेकर करती हैं। मेरे प्राण मेरा मन, ये उनके प्राण और उनका मन बनकर उनके अपने काम तो सारे परित्यक्त हो गए पहले ही, मेरा ही काम उनके जीवन में हो रहा है। इस प्रकार प्रेमी का जीवन प्रभु के सुख का जीवन बन जाता है। ये है प्रेमी के जीवन का स्वरूप।